सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, मैं क्या फिलोसॉफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी रहा हूँ, तो वो तर्क तर्क का थोड़ा सा रहता है उसमें। तर्क तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तर्क सहायक है, तर्क सहायक है, योगा सहायक है, प्राणायाम सहायक है, शास्त्र सहायक है, गुरु का ज्ञान सहायक है, ये सब सहायक है, गुरु भी सहायक है, ये सब सहायक है, ये सब एक नाव के भांति है कि इस ओर से उस ओर तक लेके जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए तर्क वाले हों, क्योंकि आत्मा को जानने वाले मुख्य रूप से दो कैटेगरी में आते हैं, एक होते हैं ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, एक होते हैं भक्तिमय होकर सेवामय होकर जानना चाहते हैं। तो सबके लिए स्वागत है, तर्क जितना ये काम करता है हम उसको भी स्वागत करते हैं। जितनी भी तर्क है हम बैठ के तर्क जितना करेंगे उस तर्क से आप धीरे 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 कहाँ पहुँचते हैं, अपने समीप ही पहुँचते हैं। गुरु जी, तो जरूरी है, वही क्वेश्चन था द्वैत और अद्वैत पाद को लेके, जैसे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का जो रहता है, तो जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और उसके बाद जो आचार्य आए वल्लभ आचार्य और दूसरे जो आचार्य आए, तो गुरु जी ये मेरा ये क्वेश्चन है कि किस जैसे ज्ञान मार्ग से व्यक्ति पहुंच सकता है जल्दी ये भक्ति मार्ग से? इनका प्रश्न ये बहुत गहरा है, सबसे जटिल प्रश्न है। मेरे दृष्टिकोण से अभी इस पृथ्वी पे वर्तमान में सबसे जटिल यही प्रश्न है, क्योंकि न जाने करोड़ों करोड़ों अध्यात्म के नाम पे यहाँ पर बहुत इसी वजह से भटक रहे हैं। एक आप बैठ जाइए, हो गया और है प्रश्न? हाँ जी, बाद में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रश्न किया है। द्वैत और अद्वैत, अद्वैत की बात किया जाए तो आदि गुरु शंकराचार्य आ खड़े होते हैं हिमालय की पर्वत की तरह, क्योंकि वो ज्ञानी थे, इतने शास्त्र लिखे, उपनिषदों का अपना भाष्य उन्होंने लिखा, बताया, समझाया, तोड़ा, थोड़ा डिकोड किया ज्ञान का मार्ग से। अद्वैत की बात करते हैं, निर्विशेष की बात करते हैं। दूसरी ओर भक्ति की बात की जाती है, भक्ति मार्ग की बात की जाती है, तो भक्ति मार्ग में क्या हो जाता है, ध्यानी, योगी, ज्ञानी, ये सब भक्ति मार्ग वाले के लिए, जो अच्छे से भक्ति मार्ग को समझते हैं, थोड़ा पहुँचे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जाकर आप पढ़िए जो लिखे हैं, वो कहते हैं ध्यानी, ज्ञानी, योगी, ये सब क्या है आप बताइए, आप लोग जानते होंगे शायद, अज्ञानी है, मायावादी है, इन लोग क्या है, मायावादी है। क्यों क्यों मायावादी है, क्योंकि इन लोग कहता है अंत में तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो। लॉजिक देंगे, बाप कभी बेटा नहीं बन सकता है, बोलेंगे तुम्हारा बाप वो है, तुम बेटा हो, तुम बन के दिखाओ, तर्क भी है, पूरे अस्तित्व तर्क से परिपूर्ण है, तर्क तो इधर से उठाओ इधर फेंको, इधर से उठाओ इधर फेंको, तर्क भी तो अंत ही नहीं होता है। परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव ही है, जीव कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। मुक्ति मिलेगी तो परमात्मा के समक्ष वो रहेगा, जीव भी नित्य है,
उसकी भी नाश नहीं होता है, वो भी जन्म नहीं लिया है, लेकिन सृष्टि बनेगी, फिर से वो बनेगा, फिर से विलय होगा, लेकिन वो जीव और परमात्मा दोनों अलग अलग है, बस एक अंश है उसका। तुम्हें हमेशा विष्णु या शिवा या कृष्ण की भक्ति करना है, वो कभी भी तुम नहीं, उनको बस भक्ति करना है, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम वैकुंठ में एक दिन चले जाओगे, उनके समकक्ष रहने को मिलेगा तुम्हें। भक्ति की मेन फिलोसफी है कि तुम्हें ईश्वर की भक्ति करना है। मुक्ति असली मरने के बाद ही मिलेगी, मरने के बाद ही जो आत्मा निकल के जाएगा उनके सामने जाएगा। ये द्वैत मार्ग में है, द्वैत में दो का होना जरूरी है और भक्ति में दो होना पड़ता है, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएंगे आप, किसका भक्ति करेंगे? दो होगा तो किसी एक का भक्ति करेंगे। अब भक्ति कोई किसी का कब करना चाहता है? जब आपको लगता है कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ है सामने वाला, तभी तो हम उसके सामने झुकना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहते हैं। आप अपने से नीचे वाला का कभी भक्ति नहीं करना चाहते हैं, भक्ति आप अपने से ऊपर वाला का ही करना चाहते हैं, अपने समान वाला से दोस्ती करना चाहते हैं, अपने ऊपर वाला से आप उसकी भक्ति करना चाहते हैं, उसको नमन करना चाहते हैं। और विज्ञान भी यही है कि जिसकी भक्ति करेंगे, जिसका नमन करेंगे, उसका गुण भी आपने आने लग जाएंगे। आप जिसकी पूजा करेंगे, जिसकी भक्ति करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि वो गुण आप में आने लग जाएंगे, वो शक्ति आप में आने लग जाएंगे। चाहे कोई मनुष्य हो, आप जाओ ओलंपिक में जाओ, क्रिकेट में जाओ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाओ, सिंगिंग इंडस्ट्री में जाओ, सब लोग अपना आइडल लगा के रखते हैं, फोटो लगा के रखते हैं, उनको कल्पना करते हैं, वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, डायलॉग्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हैं और वही ऊर्जा उनमें आने लगती है, उसी की तरह वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी को अपना आदर्श बनाते हैं, तो इसमें भी परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग में किसी को एक आदर्श, एक आइडल बनाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं एक जगह में जाकर। कहाँ फंसते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, उनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी, बहुत कुछ घटित हो गया है, लेकिन पूरी तरह से अगर मैं नहीं मिटा है, ध्यान से समझना, मैं जब तक पूरी तरह से नहीं मिटा है, दो सदा बना हुआ है, जब दो बना हुआ है यानी कि आप बचे हो, सूक्ष्म रूप से अहंकार आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन वह अहंकार सात्विक अहंकार है, राजसिक नहीं, तामसिक नहीं, सात्विक अहंकार है। सात्विक अहंकार भी पूज रहा है, भक्ति कर रहा है किसी को, परमात्मा को पाने के लिए, और उसको उसके गुरु ने बता दिया कि तुम कभी भी परमात्मा के साक्षात्कार कर लोगे, लेकिन तुम परमात्मा स्वरूप नहीं हो पाओगे। मतलब अद्वैत में जहाँ जो कहा गया है कि तुम ही अद्वैत स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है जो सर्वत्र है, और जब पूरी तरह से मैं जब मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, पूरी तरह से नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये दृश्यमान जगत भी अंदर विलुप्त हो जाता है। तो अंदर कुछ रहा नहीं किसी की भक्ति करने के लिए, और मैं भी कहता हूं साक्षात सिर्फ अद्वैत ही है मुक्ति का उपाय, और कोई उपाय नहीं है। जिसने अद्वैत स्वरूप नहीं बना उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, कभी भी नहीं, उसके अंदर द्वंद है। अद्वैत स्वरूप यानी कि हम वहां चले गए, जो शंकराचार्य ने कहा, वहां जहां पर है तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है तो सिर्फ शिवा ही है तो सिर्फ सर्वस्व जो है सो ही है,
वो भी है, मैं भी हूं, ये नहीं है, या तो वही है सिर्फ, या तो मैं ही हूं सिर्फ, एक ही है, या तो है भी नहीं हूं। उसको शब्दों में हम कह रहे हैं कि है, लेकिन वास्तव में वो है भी नहीं। कि जब तक वो है कुछ, वहां तो समस्या ही भी रहेगी। जब तक है तो हमारी तो निगाह जाती रहेगी ना, वो है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शिवा है भी और नहीं भी, तो मुक्त हो जाते हैं, अब वहां कुछ नहीं बचा। रही बात मुक्त होने के बाद, अब ये शरीर है आपके द्वैत में, तो यहां पे अनेक शरीर बैठा है, एक चिंगारी है जिसके कारण से जीव इस शरीर में अभी भी है। वो चिंगारी भी अंत में बुझ जाता है तो पूरी तरह से वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। लेकिन जब तक जीव है जो चिंगारी है, और उसका तार परमात्मा के साथ जुड़कर एकात्मा हो गया है, अपने स्वरूप में ही है, अब ये जो पूरे शरीर है और शरीर के जो भी विभाग है या प्रकृति के विभाग है, ये समष्टि जगत में हो रहा है, समष्टि प्रकृति में हो रहा है। एक तो व्यष्टि प्रकृति, एक तो समष्टि। व्यष्टि यानी कि आपका शरीर, यह व्यष्टि हो गया, जैसे पृथ्वी है। अब एक हम जिस पृथ्वी पे है, ये व्यष्टि पृथ्वी है, एक पृथ्वी तत्व है, वो समष्टि तत्व प्रकृति है, जो चारों ओर सर्वव्यापक पृथ्वी जो तत्व है वो समष्टि प्रकृति है, समष्टि से व्यष्टि में जो है। अब ब्रह्म का संबंध समष्टि प्रकृति से कैसा है और उसके संबंध से कैसे प्रकृति बनती है, कब खत्म हो जाती है, इसका ज्ञान जब किसी को ठीक ठीक होने लगता है तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वो ब्रह्म और प्रकृति के बीच के संबंध को समझ लिया, क्योंकि जब समष्टि प्रकृति अपने अव्यक्त प्रलय अवस्था में रहती है, यानी कि ये जो दृश्यमान जगत है ये भी अपने सूक्ष्म अवस्था में जब चला जाएगा, तो इसमें क्या नष्ट नहीं होगा, ज्ञान। ज्ञान का कभी भी नष्ट नहीं होता है, ज्ञान सूक्ष्म रूप से उसी प्रकृति में विद्यमान रहता है और सूक्ष्म रूप से एक क्रिया भी विद्यमान रहता है, लेकिन सत्य रजस तमस नामक समष्टि प्रकृति अपने सम्य अवस्था में होती है, लेकिन उसमें हल्का से क्रिया भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। और वो ज्ञान और क्रिया इसलिए रहता है क्योंकि प्रकृति से ब्रह्म का संबंध है, और ब्रह्म जो है वो ईश्वर है, वो चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य स्वरूप होने के कारण जड़ पदार्थ नामक समष्टि प्रकृति में एक सूक्ष्म क्रिया और ज्ञान सदा रहता है। बस सम्य अवस्था से जब अपनी विषमता अवस्था को प्राप्त करती है, सम्य अवस्था से अपनी विषमता को जब प्राप्त करती है प्रकृति, तो फिर सब कुछ प्रकट होने लगता है, सृष्टि का निर्माण होने लगता है, सब बनने लगता है, समय के अनुसार उस चक्र में चलने लगता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रकृति बन रही है, बिगड़ रही है, खत्म हो रही है, ब्रह्म जो है हमेशा प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाया हुआ ही है। अब रही वो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो है भी नहीं भी है, क्योंकि है कहेंगे तो आप उसको कोई चीज समझ लेंगे और चीज समझ के पाना चाहेंगे उसको, जो कि कभी भी उसको उस तरीके से पा नहीं सकते हैं। ये यात्रा ऐसी होती है जैसे कि गंगा नदी, सरजुग नदी, यमुना नदी, ऐसे अनेक प्रकार की और नदी है, ब्रह्मपुत्र हो, रेवती नदी, ये सारी नदियाँ अनेक नदी नाला से, पहाड़ पर्वत से अपने अपने पहचान लेकर आते हैं। सारे नदियाँ आती है, बहती है अपनी पहचान, जैसे आप लोग वही नदी के माफिक बह रहे हो अभी, अभी गंगा नदी सरयुग नदी की तरह बह ही रहे हो, पहचान लेके आती है और आकर अंत में किस में मिलते हैं, ब्रह्म में। अब ब्रह्म में मिलन जब हो जाता है तो उनकी अपनी पहचान रहता है, नहीं रहता है ना। तो इससे आप सोचो अद्वैत को, क्योंकि जब प्रकृति में ही ज्ञान है, ज्ञान तो सब प्रकृति में, हर कण कण ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, तो जब ये आकर अपने अस्तित्व को खो देती है ब्रह्म में मिलने के बाद,
क्योंकि ब्रह्म इतना विराट है, सागर इतना विराट है कि छोटी छोटी नदी नाला से पानी आया मिला और वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गया। यही अद्वैत है। आप भी यात्रा में जब जाओगे जाओगे ब्रह्म से जब एकात्म होती है तो आप भी अंदर अंदर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन जब एक चिंगारी बसने के कारण यह शरीर अभी भी बाकी है, क्योंकि कुछ प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध को पूरे करना पड़ेगा। अंत में पूरे प्रारब्ध पाप पुण्य या पाप कर्म ये दोनों जब खत्म हो जाता है, अच्छे प्रारब्ध बुरे प्रारब्ध सब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अंतिम आपका यात्रा यहाँ से निकलना होता है जो चिंगारी है, और आपका पंचवायु भी निकल गया, जीव भी उसी नदी अंत में मिलन हुआ। अब इसकी बात ही नहीं की जा सकती, ये खत्म हो गया। मुक्ति का यही एक उपाय है, ब्रह्म के साथ पूरी तरह से एकात्म हो जाना, दूसरी उपाय है ही नहीं। अब भक्ति मार्ग क्या मुक्ति के उपाय नहीं है? हाँ है। कैसे है ये समझो। अब कोई जरूरी नहीं कि वो गुरु ने ये शास्त्र में ऐसा लिखा है तो गुरु जी उसको आपको भी मानना पड़ेगा, नहीं। सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन होती है, जिसने जैसा ऑब्जर्व किया है, लिखा है, बताया है, गया है। अब कौन कितना पहुंचा था कौन जानता है? लिखने के लिए तो कितने ऑथर राइटर है, किताबों के ऊपर हजारों किताब लिख सकते हैं। विचार ही पकड़ना है, लिखना है तो हजार किताब पढ़ लो आप, तो आप 100 किताब आप भी लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। 1000 किताब निरंतर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में भी तो वो शब्द इकट्ठा हो रहे हैं ना। जब ज्यादा ही भर जाएंगे तो निकलना भी चाहेंगे, या तो आप लेक्चर बनना चाहोगे, या तो ज्ञानी बनना चाहोगे, या तो लिखना चाहोगे। मिला कुछ नहीं है अंदर से, बस दूसरे से इधर से लिया है, उसी को बस देना चाहते हैं। असली बात होती है किताबी ज्ञान जहाँ पे ज़्यादा होती है पहले की, वो असली में वो अभी उस काम का नहीं है। आप पुराने ज़माना के काठ का बनाया हुआ बाइसाइकिल अभी लेकर चलाना चाहेंगे, हालांकि ज्ञान नया नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सामने वाला जो अभी जीव बैठा है उसकी चेतना, उसके स्तर क्या है, उसकी चित्त की दशा क्या है, उसके अनुसार ये बैठकर उसके साथ कनेक्ट होकर उस प्रकार का ज्ञान को डिलीवर अपने आप हो रहा है, वो करेगा मैंने ऑटोमेटिक होगा। ये नहीं कि शंकराचार्य ने ऐसा कहा तो तुम्हें भी ऐसे ही करना ही पड़ेगा। वो निकल गया, बुद्ध निकल गए, बुद्ध पैदल चलते थे, अब हमें गाड़ी में चलना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम बुद्ध को बहुत मानते हैं तो हम भी पैदल ही चलेंगे, खाली पैर ही चलेंगे। जमाना निकल चुका है। बुद्धिमान इंसान वही होता है जो प्रकृति की गति के साथ साथ बहना सीख लेता है। तो अद्वैत ही मात्र केवल उपाय है मुक्ति का। भक्ति मार्ग पे है और सही गुरु है तो भक्ति से मुक्ति होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन एक चीज क्लियर कर लेना चाहता हूं, अद्वैत में गुरु तो कहता, मैं अंत में अपने आप को कहता हूं, ये जो जलवा रहा हूँ ना, कई बार ऐसे क्रिया करता हूँ, मुझे भी जला दो कहता हूँ। ध्यान वाली वीडियो आपको YouTube में नहीं मिलती है, ऐसे बातचीत वाली मिलती है। असली वाली तो YouTube में देंगे तो कुछ लोग कैश नहीं करेंगे, घबरा जाएंगे, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरे जो चेहरा है उसको भी यहाँ मत पकड़ना, क्योंकि मैं भी अपकड़ हूँ तो तुम्हें पकड़ना मत, माया को पकड़ लोगे। जला देना, जला देना। विस्मृति चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु सबकी विस्मृति चाहिए, किसी की स्मृति नहीं चाहिए। बिना विस्मृति की मुक्ति नहीं है। स्मृतियों को पकड़ लिए हैं, खुद देवी देवता बना लिए हैं, पूजे जा रहे हैं, पकड़ लिए हैं, ये तो साइकोलॉजिकल बात है, साइकोलॉजिकल एनर्जी आती है। आप, मैं इसको बहुत सूक्ष्म रूप से बता सकता हूँ आप असली भक्ति क्या होता है, इसे भी बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन द्वैत से छलांग लग गई अद्वैत में, द्वैत से अद्वैत में जब छलांग लग गई तो क्या हम गुरु या जगत या प्रकृति के सामने नहीं झुकेंगे? ये भी सवाल आ जाता है ना। मैं कहता हूं कि ये ऐसा है कि भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये तीनों मार्ग जो बात की गई है भगवद गीता में, ये तीनों मार्ग तो एक ही जगह एक ही समुद्र में जाती है। लेकिन मार्ग तो खत्म हो गया, मार्ग तो छूट गया,
अब मार्ग को भी पकड़ो रहेगा क्या? आप लोग अब घर से चलकर आए हैं तो मार्ग तो लेकर आना चाहेंगे तो आप आएंगे आप यहाँ पे, मार्ग को छोड़कर आए ना, तो वहां पर तो मार्ग छूट गया, भक्ति मार्ग भी छूट गया, ज्ञान मार्ग भी छूट गया, कर्म मार्ग भी छूट गया, अब रह गया जो जो है सो रह गया। ये अंदर की बात है, अब क्या करो? आंख खोला तो ये भी शरीर है, ये भी शरीर है, ये भी शरीर है, मेरे माता पिता भी है, गुरु भी है, अब क्या मैं बोलूं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, या मेरा भी स्वरूप अनंत है लेकिन एक तल पे प्रकृति के तल पे मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि इस शरीर का क्या महत्व है? प्रकृति के तल पे तो ये कुछ नहीं है ना। इन आंखों से जो चीज भी आप देख पा रहे हैं, मन से जो चीज को आप या बुद्धि से समझ पा रहे हैं, या अपने भावनाओं से जिस चीज को आप महसूस कर पा रहे हैं, ये सब माया के जगत है, ये सब माया है, ये सब प्रकृति है। तो ये चीजें क्षणभंगुर है, ये बदलते रहेगा। सर आपके शरीर भी बदल रहा है हर एक क्षण, अभी इस क्षण जैसा आपका शरीर है वैसा नहीं रहेगा, एक क्षण में वो बदल रहा है। आपकी मन की दशा बदल रही है, आपका शरीर भी बदल रहा है, आपका ज्ञान की दशा भी बदल रहा है, हर तरफ से आप बदल रहे हैं, तो बदलाव होते रहता है। तो मार्ग में जब हम पहुंचते हैं तो मार्ग छूट जाता है, वो रह जाता है, अब रहने के बाद आंख खोला तो सब तो है ही। तो ऐसे महापुरुष के पास जब दृष्टा भाव में आता है, जब विवेक पूर्ण हो जाता है, उसको उसके लिए कोई अच्छा कर्म और बुरा कर्म नहीं बच जाता है, कोई नियत कर्म भी नहीं होता है कि मैं ये मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे पूजा पाठ नहीं करना है। उसके लिए इस संसार में कोई भी नियत कर्म अच्छा बुरा कर्म बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों का जो उसके अंदर एक कर्माशय था, जैसे गर्भाशय होता है, कर्मों का जो कर्माशय था उसके लिए वो समाप्त हो गया है, क्योंकि चित्त पूरी तरह से विकृत हो गई है। जहाँ हमारे कर्मों का, जब हम कर्म करते हैं तो इन पंच इंद्रियों को उसमें हम एंगेज करते हैं, हमारी पंच इंद्रियां उसमें संलग्न होती है, उसके पीछे इंद्रियों के पीछे हमारा मन उस काम में संलग्न होता है। तो जैसे हमारा मन इस पंच इंद्रियों के द्वारा कोई भी विषय वस्तु के संपर्क में आता है तो उसका छाप हमारा चित्त में पड़ता है, वही छाप हमारा संस्कार बनता है, प्रारब्ध बनता है और आगे चलकर हमारे कर्म करवाता है। लेकिन जिस पे वो छाप पड़ने वाला है अब वही नहीं रहा, तो आप कर्म जितना भी करो आपके लिए वो अकर्म बन गया। कर्म तो कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से अनुभूति नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि डुअरनेस करने वाला तो है नहीं। अब समष्टि प्रकृति का अपना बहाव है, उस बहाव में ये भी आपको समझ में आएगा कि मेरा मन भावना शरीर जो कुछ भी, ये तो समष्टि प्रकृति के लहर में, सागर में जो लहर उठी उस लहर में ही अपने आप उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। मैं तो सर्वस्व सागर ही मेरा स्वरूप है, तो लहर उठे गिरे इसे क्या मुझे मतलब है, मुझे इसे क्या मतलब है? तो समष्टि प्रकृति में होता है, तो अंदर में वो कर्ता भाव खत्म हो जाता है। अब कर्ता भाव भी खत्म हो गया, अब आपके लिए ना कुछ पाने के लिए है ना कुछ देने के लिए, अब क्या करेंगे आप? उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाता है, आपकी व्यस्ती जो सत्ता है वो खत्म हो जाता है, व्यस्तिपन जो है वो खत्म हो गया, आप समष्टि रह गया। अब समष्टि जगत के अंतर्गत हर चीजें स्वाभाविक रूप से अपने आप क्रमिक रूप से घटित होने लगती है। लगता है कोई गुरु कर रहे हैं, वास्तविकता यह है कि कोई गुरु में कुछ दम नहीं है, शरीर रूपी ऐसा गुरु में कुछ दम नहीं है, समष्टि प्रकृति रूपी गुरु कर रही होती है। वो चाहे तो इस गुरु का शरीर को भी कभी भी धज्जे उड़ा सकती है, आज ये शरीर बैठा है कल बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके शरीर को भी, क्योंकि ये शरीर समष्टि की लहर में है, समष्टि की लहर में ये सब कुछ आपके अंदर घटित हो गया। मान लो ब्रह्म को बोध कर लिया, लेकिन आंख खोलेंगे तो ये आंख द्वैत वाली है, इसीलिए दो है, दो आंख है, नाक दो छिद्र है, होठ दो है, जीभ के पार्ट भी दो है, जबड़े भी दो है,
ब्रेन के अंदर भी दो है, हर अंग दो 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 में बटा हुआ है, लेकिन इस दो में शरीर के अंदर भी कोई एक है जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। इस दो के द्वैत के जोड़ को जिसने समझ लिया वो अद्वैत को पकड़ लिया, तो द्वैत से पार लग गई उसकी। इसीलिए संसार द्वैत के आधार पर ही खड़ा हुआ है, पहली बात है। अब रही बात, सब कुछ क्लियर हो गया, अब आप क्या करोगे? आप भगवान बनकर कहीं बैठेंगे आप कि मुझे पूजा पाठ करो क्योंकि मैं ब्रह्म स्वरूप? नहीं, अब समष्टि प्रकृति जिस प्रकार से अपने लय में है उसी तरह से बह जाएगा। अब दूसरी तरफ से मैं अगर कहूँ, आपके अंदर में वो विवेक आ जाता है कि अब मेरे लिए कोई नियत कर्म ही ना रहा, अच्छा बुरा कर्म ही ना रहा, तो उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा, ये दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ, हालांकि आप कर्ता भाव से नहीं करेंगे, अपने आप होगा, प्रकृति ही करता है, तो ऐसा कर्म क्यों ना करूं कि मेरे आसपास के लोग मुझे अनुकरण करें, इससे उनकी मुक्ति मिल सकती है, उनके अच्छे कर्म हो सकते हैं। तो आप स्वतः ही ऐसा कर्म करने लग जाएंगे कि लोग आपके जो जीवन में है वो अपने आप प्रभावित होंगे, उनसे अच्छी ऊर्जाएँ मिलेगी, आपके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं, क्योंकि जो भी पहुंचा हुआ जिस प्रकार के कर्म करने लगता है लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। आपके साथ मैं अगर 3 महीना साथ में रहूं और मेरे परिवार में भी और कई प्रकार की समस्याएं अलग अलग दिशाओं से आ रही है, लेकिन मैं हंसी रहा हूँ, मैं स्थिर ही हूँ, तो आपके अंदर में ना एक ईर्ष्या भाव पैदा होगा, ये स्थिर कैसे रहेगा? इसको जितना भी डिस्टर्ब कर लो स्थिर ही रहता है, इसको मिल क्या गया है और स्थिरता से बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? तो अंदर में ना उसको पाना चाहता है, उसको फॉलो करने लग जाता है अंदर अंदर, क्योंकि वो भी पाना चाहता है, वो भी पाना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना, वही तो हो रहा है शुरू से अंत तक, कोई स्थिर हो गया, शांत हो गया, मुझे भी ये शांति चाहिए, मुझे भी ये स्थिरता चाहिए, परेशान हो जीवन में, बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुतों को देख लिया, बहुत ऊंची ऊंची मंजिल भी बना लिया, लेकिन उनकी गति देख ली क्या होता है, असली जीवन में लड़ाई झगड़ा अंदर से भिखारी ही है, समझ में आने लगता है तो फॉलो करने लगते हैं। चाहे क्रिकेटर हो, चाहे गुरु हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बॉडी बिल्डर का कोई जिम में जाओ, आप कहीं ना कहीं आपको बताएगा, टीचर हो कोई टीचर को, प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार से जब आप पूरी तरह से बोध को भी हो जाएगा, पूरी तरह से निवृत्त हो गए, तो आपके जरिए ऐसे उत्तम कर्म होंगे कि आपके सामने जो लोग होंगे वो आपको फॉलो करेंगे। और इस उत्तम कर्म में क्या क्या आ सकता है समझ लो, जमीनी बात, जमीनी स्तर पे आप स्वयं भी कुत्ते के सामने भी झुकना स्टार्ट कर दोगे। अभी नहीं झुकोगे, अब आपको कुत्ता और एक संत में फर्क ही नहीं दिखेगा। अब आपको मूर्ति के सामने भी झुकने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है इस मूर्ति में और यहां जो है वहां जो वही है, और मूर्ति से बाहर मूर्ति मंदिर के जो गेट है उस गेट को भी झुकने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके सामने जो चप्पल है उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन कोई कह रहा है कि भगवान सिर्फ इस मूर्ति में ही है, भगवान सिर्फ इस मंदिर में ही है, वही अज्ञानी। वो कह रहा है कि भगवान हर जगह है, ये नहीं कह रहा कि मूर्ति में नहीं है, उसमें भी है, मूर्ति के बाहर भी है, वो हर जगह है, वो हर जगह नमन करने लगता है। अब नमन क्यों करता है समझ लो, वो अगर मान लो शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने झुक सकता है, क्योंकि 10 देख रहे हैं ना उसे, उसके लिए झुकना नहीं झुकना, वो ऐसे ही झुक रहा है, मान लो, बात समझ लो, झुके तो भी सही है, ना झुके भी तो भी सही है, उसके लिए कोई नियत ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन वो 10 के लिए झुक रहा है ना, वो झुकेगा तो वो 10 भी झुकेंगे, जब वो 10 झुकेंगे
तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, चित्त की शुद्धिकरण होगा। जब हम झुकते हैं तो हमारे मन में कैसा भाव आता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे तरंग आते हैं, एनर्जी मिलती है हमें। झुकने का मतलब ही है हम आगे बढ़ते हैं। जो पीछे की ओर चलोगे, अभी पैदल ही चलोगे और पीछे की ओर ऐसे करके चलोगे, कैसे चलोगे? हमें आगे की ओर लीन होना पड़ता है। तो जब पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, अद्वैत स्वरूप भी हो जाएंगे, तभी भी आपके सामने कोई गुरु आए तो भी उस गुरु को आप साक्षात दंडवत प्रणाम ही करेंगे, नहीं तो ऐसे प्रणाम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आ गई इंद्रिय भाषित दुनिया, कहता हूं। शंकराचार्य इसे क्या कहते थे? इंद्रिय भाषित मतलब हमारी इंद्रियों से जो भाषित होने वाले जो दुनिया, व्यवहारिक दुनिया। ये व्यवहारिक दुनिया है। व्यवहारिक दुनिया भी अपने आप में एक सत्य ही है। आज मेरे सास ससुर आए थे कुछ दिन पहले, तो मैं उनको झुक के प्रणाम कर रहा हूँ, एक दामाद के रूप में प्रणाम कर रहा हूँ। मैं थोड़ी बोलूंगा कि मुझे ऐसी बोध हुई है, मैं गुरु हूँ, ये करूँ तो नहीं करूँगा। भले वो मीट मछली ही क्यों ना खाए, तभी भी मैं प्रणाम करता हूँ। होली में मेरे पड़ोसियों के घर में जाके जो आंटी चाचा चाची का, तभी भी मैं प्रणाम कर लेता हूँ। डर किसके अंदर रहता है? किसी के सामने ना झुकूं, जिसके अंदर कुछ खोने के लिए अभी है, कहीं छूट ना जाए, जिसके है ही नहीं वो खोएगा क्या? उसी प्रणाम में कुछ बांट रहा है, उसी प्रणाम में कुछ स्पर्श दे रहा है। तो जब हम आज भी, मेरे जीवन में एक दो जो भी गुरु आए अभी भी है, तो उनको चाहे जितने भी मुझे ज्ञान दिए, एक दिन ही मिले, मैंने उनको गुरु मान लिया, आज भी आएंगे तो आपके सामने हम पूरी जमीन पे लेट के उसको प्रणाम करेंगे। हम पति और पत्नी, हम एक साथ उनके सेशन लिए थे, दो सेशन, क्योंकि ये व्यवहारिक इंद्रिय भाषित दुनिया है। कुछ समय के लिए ये सत्य है हमारे लिए, माता पिता को प्रेम करना ही पड़ेगा, जगत और समाज के नीति नियमों के साथ हमें चलना है, लेकिन चलते हुए भी अंदर से नहीं चल रहे हैं। तो ये भक्ति जो है, इसको कहा जाता है भक्तिमय हो गया, भक्तिमय हो गए। ये इसलिए मैंने क्लियर किया कि ब्रह्म के बोध के बाद की अवस्था इस प्रकार से रहती है, नहीं तो किसी को अहंकार आ जाएगा कि तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, कि मैं किसी की झुकूं किसी के सामने, मुझ में और कुत्ता में बहुत फर्क है। मूल सोर्स में कुत्ता में और आप में फर्क नहीं है, विचारों में है, संस्कारों में है, वृत्तियों में है, लेकिन इन विचारों की, संस्कारों की, वृत्तियों की जहाँ से उद्भव हो रहा है, वो मूल को जान लिया है और मूल ही उसका अपना स्वरूप है। फिर भी द्वैत की दुनिया में जब तक ये शरीर है, भक्तिमय होकर ही जीवन को जीता है। तो आप लोगों को इसलिए क्लियर किया कि आने वाला समय में कोई पूरी तरह से निवृत्त, अहंकार निवृत्त हो जाता है, तब भी आप अपने माता पिता के सामने आपको झुकना है। ये मेरी तरह से आपको एक उपदेश दे रहा हूं। तब भी आप किसी के सामने, मैं किसी को क्यों प्रणाम करूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, क्योंकि पूरे निवृत्त होने के बाद आप एकदम सा साधारण, सिंप्लिसिटी, साधारण बन जाओगे, कोई दिखावापन नहीं रहेगा, बिल्कुल साधारण। ये हो गई हम अद्वैत के बाद। अब रही भक्ति मार्ग पे, भक्ति मार्ग में अटकते कैसे हैं और भक्ति मार्ग में निकलते कौन है, ये सुन लो आप। भक्ति मार्ग में अगर गुरु सही नहीं है तो वो अटक जाएंगे। भक्ति मार्ग में कहा जा रहा है कि तुम कृष्ण की भक्ति करो, एग्जाम्पल में हम कृष्ण को ले रहे हैं, तुम कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण तुम्हें एक दिन साक्षात्कार देंगे और तुम साक्षात्कार हो जाएगा, बाद में तुम बैकुंठ में पहुंचोगे। लेकिन हम कहते हैं बैकुंठ, बैकुंठ, कुंठ, कुंठा। कुंठा का मतलब क्या है? निराशता, हताशता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ,
काम, क्रोध, द्वंद, तुलना, ये तमाम जो चीजें हैं ये कुंठा है जी, इसके जीवन में आ जाती है ना, कुंठा लगा देती है, वैकुंठ से दूर हो जाते हैं। जब ये कुंठा खत्म हो जाती है तो आप वैकुंठ में पहुंच गए, कुंठा नहीं है आप वैकुंठ में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे भौगोलिक स्तर पे फिजिकल स्थूल रूप से लोगों को इमेजिनेशन में डाल दी गई है कि कहीं पे कृष्ण ऐसे सोए हुए हैं और उनके सामने तुम जाओगे जैसे हम देख रहे हैं वैसे देखोगे, वो साक्षात्कार देंगे तुम्हें, आएंगे ध्यान में आएंगे, साक्षात्कार होगी और तुम एक दिन वहां जाओगे। कितने ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे साक्षात्कार देंगे 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 देंगे, कितने को हो भी जाता है, हो भी गया कई बार, कृष्ण राधे या शिव पार्वती या दुर्गा काली साक्षात्कार दे चुकी है, मुझे भी बहुत बार दिए थे, लेकिन साक्षात्कार के बाद भी भेदभाव बदल नहीं रहा, अहंकार खत्म ही नहीं हुआ, रोना गाना, रोने गाने का, भेदभाव का, ईर्ष्या का, ये सब का अपना व्यापार चल ही रहा है अंदर, अपने आप ना भी चाहे तो अपने आप चल रहा है। ऐसे साक्षात्कार से मुझे तो मतलब नहीं है, मैंने तो सोचा कि ये मतलब नहीं, कुछ गड़बड़ है सिस्टम में। आप ध्यान कर रहे हो, मैंने पूछा साक्षात्कार कैसे, आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान में आपको दिखेंगे कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं तो साक्षात्कार हो गए। ध्यान में कौन देखा आपको, मन में दिखे, देखा कौन, मन ने देखा, कल्पनाओं में देखे आप, अब बनाया कौन, कृष्ण का रूप रंग आपने देखा भी तो नहीं था, ये तो बनाया गया है, आजकल तो AI टूल से और भी अजीब अजीब बनाया जा रहा है, उसी को तो आप कर रहे हो, वही कल्पना में आ रहे हैं। हम तो वहां पे बात करते जब वेद नहीं था, जब पुराण नहीं था, जब उपनिषद नहीं था, सारे तमाम शास्त्र नहीं थे, तब क्या था मुझे बताओ। आप आज तक आध्यात्मिक ज्ञान, पूजा पाठ, तर्क वितर्क, जप माला, कुछ भी आप आज जो जानते हो ये कहाँ से मिला है आपको बताओ मुझे, नहीं शास्त्रों से मिला है ना, जब ये नहीं था तो क्या था मुझे बताओ, जब ये शास्त्र भी नहीं था तो क्या था, कुछ था ना। आपको तो खबर ये शास्त्र दी ना कि कोई ब्रह्म है, कोई ईश्वर है, ऐसा है वैसा है, शिव भी होता है, विष्णु भी होते हैं, अवतार भी होते हैं, बहुत सारी खबर कहाँ से मिली, मैं कह रहा हूँ ये शास्त्रों से मिली। आपका शास्त्र अभी छीन लिया जाए, आपका मन को छीन लिया जाए, आपके चित्त को ही छीन लिया जाए, आपके पूरे कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग को छीन लिया जाए तो बचा क्या, अब वो तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो वहां पर भी अंत में पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं, मेरा अंत भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आप अपनी पहचान तो आप अपने शास्त्रों से बना लेते हैं, आपको हिंदू होने का ये पहचान पत्र दिया कौन है, शास्त्र ही दिया है ना, मुसलमान होने का शास्त्र ही दिया है, क्रिश्चियन होने का शास्त्र ही दिया है, आपको आपका पहचान किसने दिया है, आपका पहचान तो आपके परिवार वाले ने दिया है, शास्त्र ने दिया है, समाज ने दिया है, धर्म ने दिया है, आपको जीवन को, जीवन में ढेर सारे चीजें, ये तमाम चीजें आपके आसपास के माहौल ने रंग दिया है और आपको बता रहा है भाई तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम हिंदू हो, तुम्हें ऐसा करना है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों से जब हम मुक्त होते हैं, जब वेद पुराण ये तमाम शास्त्र नहीं थे तो कौन था, सत्य था। सत्य क्या है, चेतना, चेतना क्या है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, उसी को फिर भगवान कहते हैं। वही चेतना ने प्रकृति के तत्वों को धारण किया है, जब उसको धारण कर लिया है और प्रकृति के साथ संलग्न कर लिया है
और एक साथ जब निर्माण हो रहा है, फिर निर्माण से फिर सृष्टि का नाश होता है, निर्माण होता है, प्रकृति भी अनादि है। इसीलिए कहा जाता है शिव और शक्ति अनादि है, राधा कृष्ण अनादि है, ये कभी नहीं बिछड़ने वाले हैं। ब्रह्म और प्रकृति कभी नहीं बिछड़ने वाले हैं, ये दोनों अनादि है, ये चलते रहेंगे। बात समझना है, ये बात समझाया। और जब कहा जा रहा है अच्छा भक्ति मार्ग का, तो सुन लो कि भक्ति मार्ग में जब ये कहा दिया गया कि तुम कृष्ण आएंगे, साक्षात्कार हो गया तो तुम मुक्त हो गए, तब तो अब मुक्त नहीं होगे। लेकिन किसी ने कृष्ण का सही सही स्वरूप को बता दिया कि कृष्ण कौन है, कृष्ण ये है। वह जो कृष्ण एक शरीर धारण करके आके चला गया, उसी शरीर में अगर तुम अटके रहोगे तो तुम स्मृति में अटक जाओगे। और स्मृति, ज्ञान और अनुभव हमेशा सत्य से आपको दूर करके रखता है। तो आप स्मृति को पकड़ लिए हो, वही जो पहले कभी आपने सुना होगा राम, स्वामी विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण परमहंस और तोतापुरी की कहानी, तो वही तो हम भी करवाते हैं। राम को छोड़ो, कृष्ण को भी छोड़ो, जलाओ। अभी तो प्रक्रिया करवाऊंगा आपको, जितने देवी देवता सबको जलवाऊंगा शाम और कल को, या जिसको पकड़े आप जलाओ, वो तो सहायक बने आपका। वो स्मृतियाँ हमारी सहायक बनकर अब गुरु तक पहुँचाती है। अब गुरु बोलेगा अब छोड़ो, जलवाओ। एक आए थे 6 घंटा समाधि में थे निर्विकल्प, इसी तरह आपके ही जैसे, पब्लिकली वो सब वीडियो नहीं डालते हैं, वो भी देवी की साधना करते थे कामाख्या से, है ना, ये पिछले वाले शिविर से उसे पहले आए थे, फिर जून में आ रहे हैं। 6 घंटा निर्विकल्प समाधि में थे, उठे तो बोले मेरी चिता बनाओ, मैं मर चुका हूँ, कांप रहे हैं। बोल रहे आपने सब खत्म कर दिया, मेरी देवी भी सब चली गई है। तो बात समझना है, जब ऐसा कोई भक्ति मार्ग में गुरु है और कह रहा है तुम भक्ति करो, लेकिन तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो स्थूल रूप में, द्वैत रूप में, हम उसकी एक प्रतिमा लिए हैं, क्योंकि हमारा मन को टिकाने के लिए समझना है। भक्ति मार्ग गलत नहीं है और बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है दूसरे मार्गों से, क्योंकि अद्वैत में जाने के लिए द्वैत का सहारा लेना पड़ेगा। आप बताओ, गौतम बुद्ध जब आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा को मना कर दिया, जरूरत नहीं ऐसा मत करो, वेदों के कर्म कांड को उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कर्म कांड से तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या पकड़ाया मुझे बताओ, श्वास को पकड़ा दिया ना, साक्षी सजगता को पकड़ा दिया, अवेयर हो जाओ, श्वास पे ध्यान करो, तो श्वास को भी पकड़ा दिया। ये भी तो द्वैत ही है, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ पकड़ाना ही पड़ेगा आपको। आपको ध्यान लगाने के लिए कोई ध्येय वस्तु होना ही पड़ेगा, तो कोई श्वास पकड़ाते हैं, कोई अपने मन को कहते हैं तुम दृष्टा हो के अपने मन के विचारों को देखो, कोई बोलते हैं अपने शरीर के अंदर जो स्पंदन हो रहा है जो कुछ भी उसकी साक्षी बन जाओ, कोई बोलते हैं पूरी जगत के ही साक्षी बनकर देखते रहो तुम, कोई बोलते हैं ध्वनियों का साक्षी होकर सुनो तुम, कोई बोलते हैं अंदर ध्यान में तुम कृष्ण पे ध्यान एकाग्रत करो, राधा पे करो, कोई बोलते हैं जप करो। जप ऑनलाइन सेशन में भी मैंने कहा था कि राधा का असली अर्थ आपको पता है, आप जानकर हैरान होंगे, असली अगर आप पुराने शास्त्र पढ़ेंगे तो राधा नाम कहीं हिस्ट्री में है ही नहीं। जब कृष्ण थे तो राधा नाम की कोई व्यक्ति कोई थी, वास्तविकता तो ये है कोई थी बोलकर है ही नहीं, ये बाद में लिपापोती हुई है, होते रहते हैं। असली में राधा का मतलब है, ऑनलाइन सेशन में कहा गया था, धारा जो बार बार बोलता ना, चेतना बहर प्रवाहित हो रही है, धारा, धारा बह रही है, धारा को उल्टा कीजिए क्या होगा, राधा। तो किसकी चेतना बह रही है, प्रकृति चेतन, प्रकृति में जो चेतना बह रही है, बाहर ही बह रहा है ना हमारे अंदर से जो चेतना, धारा। तो बुद्ध आए बोले कि भीतर मुड़ो, तो उसने भी तो राधा ही का जप करवाया ना, बोले कि चेतना को भीतर आओ। अब राधा राधा कहकर भीतर आओ
या ध्यान को श्वास पर रखकर भीतर आओ, जैसे भी भीतर आओ, वास्तव में हम राधा ही करते हैं, धारा को उल्टा ही करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती रहेगी, हम भटकते रहेंगे, एक जगह घूमने फिरने जाएंगे, बड़ा मजा आया, थक जाएंगे, घर चलो, फिर 10-15 दिन बाद में दूसरी कोई जगह आपको लुभद आकर्षित कर देगी, फिर वहां पे जाएं, एक कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जितना भी घूम फिर ले आप, एक के बाद अनोखा इस ब्रह्मांड में चीजें मिलती रह जाएगी पृथ्वी पे, घूमना फिरना किसी काम तो नहीं होता। जब भीतर हम मुड़कर आते हैं, राधा माने धारा हमारी जो बह रही थी हम भीतर ला दिए, जब भीतर आने लग गए तब अपने स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो भक्ति में हमने क्या पकड़ा दिया मन को, तुम इसकी या तो जप करो, मन को क्या दे दिया, दो शब्द दे दिया या तो 10 शब्द दे दिया, कोई मंत्र दे दिया, अब मन इसको तुम करते रहो, किसी ने मन को श्वास दे दिया, किसी ने मन को शास्त्र दे दिया, तुम शास्त्र पढ़ो, तर्क करो, अब मन तर्क में लगा हुआ है, शास्त्र पढ़ रहा है। मन को कहीं ना कहीं ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ ना कुछ दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि मन को मारने के लिए मन को किसी चीज में लीन करवाना ही पड़ेगा। तो मन को ऐसी चीज में हम लीन करवा दे जहां मन की मृत्यु हो जाए। तो भक्ति में हम जब भक्ति करते हैं तो गुरु से ही अगर बता दे कि परम सत्य कौन है, क्या है, उस रूप से वो भक्ति कर रहा है, तुम्हारे लिए मूर्ति सहायक है, चाहे कृष्ण को हो, चाहे राधा को हो, चाहे शिव को हो, दुर्गा को हो, पार्वती को हो, काली को हो, किसी भी देवी देवता, मात्र सहायक है एकाग्र होने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, लेकिन अंत में ये छूट जाएंगे और तुम उस ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच जाओगे। तो वो उस मूर्ति को भी भक्ति करके पहुंच जाएगा। कृष्ण का असली स्वरूप बता दिया तो कृष्ण की भक्ति करते करते आप कृष्ण में विलीन हो जाएंगे, कृष्ण स्वरूप हो जाएंगे। अगर कृष्ण में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मिला है कि गुरु की भक्ति करो, गुरु को भक्ति के लिए गुरु के सामने होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि इस गुरु में संशय खत्म हो गया है तो गुरु को भक्ति करते करते, क्योंकि सामने है, आपके संशय को दूर करने के लिए साक्षात है, तो गुरु को भक्ति करते करते गुरु जो है गुरु में विलीन हो गया। श्वास की भक्ति करो तो जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वाला और श्वास, ये दोनों छूट जाते हैं और परम सत्ता की ओर पहुंच जाते हैं। तो मिला कुल मिलाकर बात जो है, भक्ति में भी कुछ पकड़ा हुआ है, ज्ञान में भी ज्ञान को पकड़ा हुआ है, ध्यान में श्वास को पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम सब पकड़ा हुआ है। कौन पकड़ा हुआ? मन पकड़ा हुआ है। तो मन की मृत्यु ही मोक्ष है, यह बात याद रखना, हमें मन को ही मारना। लेकिन भक्ति में अगर गुरु गलत है, वो खुद पहुंचा हुआ नहीं है, तो वो आपको अटका कर रख देगा और इस जगह में थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, अटका कर रख देगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, पूरी तरह से मन की मृत्यु नहीं हुई, मन बच गया, अभी भी वो माला जप करेगा, अभी भी वो ध्यान करेगा, अभी भी चिंतन मनन करेगा, क्योंकि चिंतन मनन करने वाला की समाप्ति हुई नहीं, तो द्वैत का जन्म हो जाएगा। उसको लगेगा क्योंकि अभी उसको परमात्मा से यानी कि ब्रह्म से अपने आप को अलग ही मान लेगा, क्योंकि अहंकार के पूरी तरह से मिटा नहीं, तो अपने एक अपने जीव को वो हमेशा कहेगा कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। यहाँ से फिर भक्ति के शास्त्रों का निर्माण करना स्टार्ट कर सकता है वो, क्योंकि परमात्मा अलग है, तुम जीव अलग हो, वह जीव परमात्मा के साथ पूरी तरह से एकात्मक हुआ नहीं, मिटा नहीं, और यहाँ पर भी उसका विवेक तर्क बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, वो शास्त्रों के ऊपर शास्त्र लिख सकता है, वो सदा अलग है, तुम अलग हो, किसी भी एंगल से बता सकता है। अब मैं तो दूसरे को नहीं जानता हूँ, मैं तो अपनी अनुभूति की बात बता रहा हूँ, उसकी साथ एकात्म होने के बाद कुछ बचता नहीं, सीधी बात है। तो द्वंद यहाँ से खड़ा हो जाता है भक्ति में, कहाँ से, जो स्वयं मिटा नहीं है वो हमेशा किसी को अपने से सर्वश्रेष्ठ मान लेगा और उसकी भक्ति करते रहेगा, कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि द्वंद रह ही जाएगा। लेकिन अच्छा गुरु है तो भक्ति मार्ग से बताएगा कि तुम भक्ति जिसका कर रहे हो ये एक पद्धति है, इस पद्धति में तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी और इस मूर्ति के पीछे जो ब्रह्म है उसके साथ तुम्हारी एकात्म हो जाएगी, एकीकरण हो जाएगी, भेद से अभेद में आ गए,
सारा चिंता मनन गिर जाएगा, ब्रह्मवत हो जाओगे, ब्रह्म रस आनंद युक्त हो जाओगे तुम। तो शंकराचार्य ने कहा तो भक्ति मार्ग गलत नहीं है, भक्ति मार्ग में गलत गुरु मिलेंगे तो भटक जाएंगे। ज्ञान मार्ग भी गलत नहीं है, ज्ञान मार्ग में अगर गलत गुरु मिलेंगे तो भटक जाएंगे। चाहे ध्यान मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कोई मार्ग, गलत गुरु ही गलत दिशा में आपको लेके जा सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है, भक्ति मार्ग हो या दोनों मार्ग, लेकिन अटक जाते हैं भक्ति मार्ग में। क्यों? इसी जगह पे अटकते हैं। जैसे आप भगवान शिव की, अब जो बात कहने वाला हूँ, अब भगवान शिव की भक्ति आप करती हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ कि जिस रूप में आप भगवान शिव की भक्ति करती हो, गले में सर्प है, वासुकी नाग है, ऐसा है, ऐसा कभी भगवान शिव का कभी रूप हुआ ही नहीं इस ब्रह्मांड में, तो आपको तो पहले एकदम हृदय में झटका लगेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने ये पूजा करके आए, ये गुरु कैसे कह दिया, ये खुद ही फंसा हुआ है, भटका हुआ है। भगवान शिव का असली स्वरूप ये है, लेकिन आप बोलोगे नहीं यही है, और आपको स्वप्न में आते हैं, ध्यान में आते हैं, कल्पनाओं में आते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, शक्ति भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये तमाम देवी देवताओं का क्रिएटर हम स्वयं हैं, हम अपने ही अंदर की गुणों को मूर्तियों में स्थापित करके पूछते हैं। मूर्ति के पीछे के गुण को समझो, गुण को, मूर्ति के पीछे की एनर्जी को समझो, सूक्ष्म जगत को समझो, हमारी भावनाओं को, विचारों को मूर्तियों में जो अलंकित किया गया है उसको मत पकड़ो, उसके पीछे के सूक्ष्म चीज को पकड़ो। वो जो हमारे अंदर है, तमाम देवी देवता जितने कहे जाते हैं ये सब आपके अंदर है, इनके बिना सहारे आप मोक्ष नहीं पा सकते हैं। ये प्राण है, ये प्राण भी देव है, मन भी देवता है, धैर्य शक्ति भी देवी है, आत्मबल भी शक्ति है, देवी है। देख लो दुर्गा का छवि जाकर देखो, मूर्ति देखो, 10 हाथों में 10 अस्त्र है, वो 10 अस्त्र आपके अंदर की बात हो रही है, 10 शक्तियां आपके अंदर में। काली गर्दन काट काट के खोपड़ी को पहन रही है, कौन से खोपड़ी? ये अंदर वही करवा रहा हूं मैं, पहन रहे हो आप भी अपने अंदर, पहले काली आनी पड़ेगी अंदर, आएगी काली कुंडलिनी रूप में, दुर्गा रूप में, और नाश करेगी सब एक एक का, गर्दन में पहन लेगी, और एक दिन जब शिवा आएंगे सामने तो फिर जीव निकाल देंगे। शिवा कौन? वही जो शिवा जो मैं कहता हूँ। तो वहां पे कुंडलिनी शक्ति का शिवा से भी मिलन हुआ तो शक्ति भी शांत हो गई, उनका भी मिलन हो गया। मैं आपको बहकाने वाला ज्ञान सपने में भी मत सुनना, आना है तो आना, नहीं आना है तो अपने घर में जाके जो करना है तो करना, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा कि आपको इन चीजों में अटक जाना है। सूक्ष्म बातें हैं, मैं मूर्ति पूजा को भी मना नहीं कर रहा, कोई भी चीज, उसके असली ज्ञान को बस पकड़ना, ये आपके अंदर की सब बात। याद रखना, सब जलाकर हमें मुक्त हो जाना है, ठीक है।